अगर आप लोग बुक ढूंढ रहे हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए या अपना लेवल अप करने के लिए तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिसका यूज़ करके आप लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं या फिर अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जितनी मैं बुक्स बताऊंगा इन सब के एफिलिएट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बुक है वो है हेड फर्स्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये जो बुक है ये बिगनर्स के लिए है। इसमें बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करी गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको काफ़ी बार रिपीट किया गया है एंड वो रिपीटेशन की वजह से बिगनर्स को काफ़ी ईजी होता है उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाना। सो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को बेसिक जावा आना चाहिए। तो अगर आप लोग बेसिक जावा आता है तो आप लोग ये वाली बुक को परचेज कर सकते हैं। सेकंड जो बुक है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 डेवलपमेंट असेंशियल्स। ये बुक उन लोगों के लिए है जो लोग बिगनर्स हैं, लेकिन बिगनर्स से इंटरमीडिएटरी लेवल तक ये बुक आप लोगों को लेके जा सकती है। एंड इस बुक का एडवांटेज ये है कि ये जो बुक है ये थोड़ी अपडेटेड है। अपडेटेड इन द सेंस इसमें जो नया एंड्रॉयड 8 है उसको लेकर के डिस्कशन किया गया है एंड इसमें आपको काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे कंपेयर टू अदर बुक्स। अब मैं आता हूँ हमारी थर्ड बुक पे। थर्ड बुक है हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट फॉर गिफ्टेड प्रीमेड्स। ये बुक उन लोगों के लिए है जो लोग यूजुअली जो कोडिंग्स की जो बुक होती है वो बहुत ही बोरिंग टाइप की होती है। तो अगर आप लोगों को वो सारी बुक्स बोरिंग लगती है तो ये बुक उन लोगों के लिए। इसमें काफ़ी एंटरटेनिंग वे में समझाया गया है एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, तो टेक केयर ऑफ दैट। एंड अगर आप लोग ऐसे हैं जो जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं देन दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि आप लोग सीखे भी, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, तो ये बुक आप लोगों के लिए है। अगली जो बुक है वो है जावा की बिगनर्स गाइड के ऊपर। अगर आप लोग जावा सीख रहे हैं, देखो अगर आप लोग एंड्रॉयड सीखोगे तो आप लोगों को जावा तो आना ही चाहिए। अगर आप लोग जावा नहीं आता है तो ये वाली बुक आप लोग सीख सकते हैं। इसमें आपको बेसिक जावा सीखने को मिल जाएगा एंड दैट्स ऑल यू नीड फॉर लर्निंग एंड्रॉयड। तो पहले बेसिक जावा आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तो ये बुक उसके लिए परफेक्ट है। हमारी जो पांचवी बुक है वो है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग द बिग नर्ड रैंच गाइड। ये बुक उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर साथ साथ इंटरमीडिएट दोनों चीज़ सीखना चाहते हैं, तो दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर देम। ये आप लोगों को बिगनर से इंटरमीडिएटरी लेवल तक लेके चली जाएगी। अब मैं आता हूँ हमारी अगली बुक के ऊपर। अगली बुक है एंड्रॉयड कुक बुक। ये बुक है एडवांस लेवल के लिए, जिन लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज है पहले से एंड्रॉयड का, ये बुक उन लोगों के लिए है। इस बुक में जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो ये है कि इसमें सारी जो मेन प्रॉब्लम्स रहती है उसके क्विक सॉल्यूशंस दिए हैं इन्होंने। जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे अगर कभी आप लोग लोकेशन वाला यूज़ करते हैं, कभी मल्टीमीडिया वाला यूज़ करते हैं, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया इस बुक में पूरा कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है और इसके सॉल्यूशंस ये सारी चीज़ें हैं। अगली जो बुक है वो है प्रोफेशनल एंड्रॉयड। नाउ जैसा कि ये नाम बता रहा है, ये बुक प्रोफेशनल लेवल की है, मीन्स एडवांस लेवल की है। इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक्स मिलेंगे। इस बुक में आप लोगों को काफ़ी ही इनडेप्थ नॉलेज मिलेगा। नाउ इस बुक में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो जॉब शेड्यूलर, नेविगेशन पाथ को लेकर के, आपके डिज़ाइन पैटर्न्स को लेकर के कि कैसे डिज़ाइन करना है हर एक स्क्रीन साइज़ के लिए। सो इसमें सारे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। अगली जो बुक है वो है प्रैक्टिकल एंड्रॉयड। ये भी एक एडवांस लेवल बुक है। इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और सारे ही जो चैप्टर्स है वो काफ़ी इन डेप्थ हैं और एक हर एक चैप्टर में आपको एक हर फुल फ्लेज्ड ऐप के साथ वो चैप्टर मिलेगा। तो इसमें आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज और काफ़ी आप लोगों के जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स रहते हैं, वो सारे इन चैप्टर्स में इंक्लूडेड रहेंगे। अगली जो बुक है वो है कॉटलिन प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये बुक उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कॉटलिन सीखनी है। और ये जो बुक है इसमें ना सिर्फ एंड्रॉयड बल्कि जो वेब ऐप्स हैं जो कॉटलिन से बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी है। और अब मैं आता हूँ हमारी अगली बुक के ऊपर। अगली बुक भी हमारी कॉटलिन के ऊपर ही है, कॉटलिन प्रोग्रामिंग द बिग नर्ड रैंच गाइड। और ये बुक उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले से जावा आती है, जो लोग पहले से जावा में थोड़े बहुत ऐप्स बनाते हैं, वो लोग इस बुक का यूज़ करके कॉटलिन बहुत ही ईजी तरीके से समझ सकते हैं। एंड इसमें मेनली टारगेट किया गया है कि आप लोग अपने एंड्रॉयड ऐप्स को कॉटलिन के थ्रू कैसे बना सकते हैं, तो ये बुक उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। अब अगर आप लोग यहाँ तक रुके हो तो मेरा काम है आप लोगों को एक बोनस देना। वो बोनस है द बिजी कोडर्स गाइड। मीन्स ये बुक, ये एक ई बुक है, ये काफ़ी एक्सपर्ट्स इस ई बुक को रिकमेंड करते हैं और ये ई बुक आप लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस पे मिलती है। मींस 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रहता है $20 का। आप लोगों को इसमें एक लेटेस्ट ई बुक मिलती है और ये ई बुक हर 2 महीने में आप लोगों को इसमें अपडेट्स भी आते रहते हैं। मींस हर 2 महीने में जो जो चेंजेस हुए हैं, कुछ जो जो नई नई चीज़ें आई हैं उसके आपके अपडेट्स मिलते जाते हैं। एंड जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म या फिर नई कोई SDK वगैरह रिलीज़ होती है तो आप लोगों को उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में इसमें आप लोगों को एक सपोर्ट फॉरम भी मिलता है जिसका आप लोग यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो ये थे कुछ बुक्स।
नाउ आई पर्सनली डोंट लाइक एंड्रॉयड बुक्स, द रीज़न बीइंग कि जो एंड्रॉयड है वो काफ़ी ही फास्ट अपडेट होता है. मीन्स हर एक साल में उसका एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, हर 6-6 महीने में उसकी SDKs अपडेट होती रहती है, तो जो बुक्स रहती है वो उतनी अप टू डेट नहीं रहती है. बुक टेक्स टाइम, तो वो बुक्स उतनी अप टू डेट नहीं रहती है. इसीलिए आई डोंट प्रेफर कि मैं एंड्रॉयड की बुक्स पढ़ूँ, आई प्रेफर कि मैं उसके ऑनलाइन कोर्सेज देख लूँ. बट दैट बींग सेड, इफ़ यू आर अ बुक गाय दैन दीज बुक्स आर मस्ट रीड फॉर यू. और अगर आप लोगों को थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो बुक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को कोर्सेज में या फिर जो आर्टिकल्स है उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिले, तो आप लोग वो बुक से ले सकते हैं. और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को जॉब में जाना है, एंड्रॉयड की आप लोगों को जॉब चाहिए, तो ये जो सारी बुक्स है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है. आप लोगों को इन बुक से काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प यू क्रैक दैट जॉब. तो ये थे कुछ बुक्स एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. मैं जितनी रिसर्च कर सकता था मैंने पूरे रिसर्च करके, सारे आर्टिकल, सारे रिव्यूज़ वगैरह देख करके ये सारी बुक्स कंपाइल करी है. और अगर आप लोगों को कोई और बुक पता है तो वो बुक मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन. मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.